जुम्मा की सफाई के साथ गुड मॉर्निंग। सब चेंज हो गया, अभी पर्दे चेंज होंगे, बेडशीट चेंज होगी और ये मेरी पिल्लू भी आज क्लीन होगी। अभी ये हॉल के पर्दे भी सब चेंज होंगे और मौसम तो माशाल्लाह क्या मस्त मौसम बना हुआ। ये जाली सोच रही निकाल दूँ कि फिर से इसको बराबर से फिट करा दूँ, क्योंकि ये जाली रहती है तो कबूतर जो है वो अंदर नहीं आते, और अगर जाली निकाल दूँ तो हवा बहुत ज़्यादा घर में आती है, तो कंफ्यूज हो दोनों में से क्या करूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जस्ट अभी किचन में पैर रखे और आज बहुत लेट भी हो गया है। जुम्मा का दिन काम ज़्यादा रहता है और आँख मेरी आज लेट खुली। फिलहाल तो पहले बना लेती हूँ अपने लिए चाय और निकाल लेती हूँ नारियल पानी, उसके बाद काम तो वैसे शुरू हो चुका है। बेडशीट पर्दे का सारी सफाई का तो काम वहाँ शुरू हो चुका है, बट यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की जो खुराक होती है अभी तक कुछ खाई नहीं हूँ, तो पहले वो खा लेती हूँ। आज जुम्मा है तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया काम के चक्कर में, तो जस्ट अभी निकाली हूँ मेरे लिए नाश्ता। आज हेल्दी दिन है, जुम्मा का दिन है, तो मैंने बोला नाश्ता भी हेल्दी होनी चाहिए, तो ऐसे में मलाई, जैसे दूध की मलाई फ्रेश होती है तो वो थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है खाने, या तो फिर सूरत में जब जाती हूँ तो वहाँ तो इतनी अच्छी मलाई मिलती है तो वहाँ खाती हूँ। आज फिर ये भी मेरी बेटी सूरत में ही खिलाई थी कि ये खाकर देखो बहुत मज़ा आता है, तो बहुत मज़ा आता है, तो इसीलिए मैंने पराठे के साथ में निकाली हूँ मलाई और कप भर के चाय। और पराठे तो इतने सारे बने, मैं तो खाने वाली हूँ एक पराठा, तो क्या कहते हो आ जाओ फिर। ये मेरे हेल्दी बेटे का, और जैसे कि आपने देखा होगा ना किसके बोरी के चैनल पे और वो ढिल्ले के चैनल पे, ढिल्ला कौन मालूम आपको, वो हाफ बिरयानी, ढिल्ला बोलती हूँ समझ जाया करो भाईले को, तो वो जिम का दिखाता है, अब इंजेक्शन है साहब, आपको पता नहीं है क्या? इंजेक्शन। तो हेल्दी रहने के लिए जिम जाते जो है ना उसके लिए ऐसा खाना खाना पड़ता है, ये ऐसा आए दिन दिखाते रहती हूँ ना मेरे बेटे का खाना, तो ये ऐसा होता है नल्ला वाला नहीं इंजेक्शन और डब्बा, ये रियल वाला फूड रहता है, ये मेरे बेटे का खाना देख लो आप है ना। वो खा लिया मेरा बच्चा, ये देखो दिखाओ भाई जरा तुम्हारा आज का लंच माइट बी एक्सपेंसिव फॉर देम। और अभी तक ना मैं नहाई हूँ ना मैंने अभी तक मेरे लिए कुछ करी, बस अब नहा दो के बच्चे तो नमाज से भी आ गए। दिखाओ क्या छोटे वाले को भी दिखाओ क्या। हाँ क्लबों में तो आपने बहुत देखा होगा, जरा आज ये रूप में भी देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या है, जुम्मा है ना, जुम्मा मुबारक, तो कल के लिए फिर गोल्डन नाइट कौन से, मेरा तो आज वीडियो भी आ गया रहेगा, कल आप देखना मेरा वीडियो। कल कैसे, ये हमारा ब्लॉग कल आएगा, वही तो कल देखेंगे ना ये वीडियो। अच्छा डबल से, चलो ऐसा लगेगा तो फिर मैं देखूंगी मैसेज में, तो फिर से स्टोरी लगाऊंगी। और कल गोल्डन नाइट है, कल मेरा बेटा कैसे करेगा जाके डिस्को में। बोला तेरे को तू मोटा हो गया नहीं यार, मैं देखा तो ऐसा मेरे को फील हो रहा था कि हाँ अभी डाइट करो थोड़ा पतला होना पड़ेगा। भाई आप लोग प्लीज जरा कमेंट करना, ये मोटा हो है, पेट का तो आता पता नहीं, नहीं है, कुछ। है दिख रहा है, फेस भी देखो कितना छोटा हो गया। कैसा था मेरा गोलू टिकटॉक पे, और आज है जुम्मा तो ब्लॉग तो कल आएगा, तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और ना मैंने एक नाक में पहनी और एक नाक में यही पड़ी पहनना है। और मेरे बेटे का आज ब्लॉग आया, फिर से रिपीट करती हूँ, मेरे बेटे के ब्लॉग में एक भी एड नहीं आता है, लेकिन जिसको जैसे नंगा करना है वो परफेक्शन के साथ कर रहा है, क्योंकि एडिटिंग का भाई पैसा भर के सीखा है उसने, तो बनता है ना यार ये सब, तो बनता है तभी तो उसका काम दिखेगा। पैसा इतना मायने नहीं रखता है, सच्चाई दिखाना ज्यादा मायने रखती है। अच्छा क्या बोलते मम्मा, व्हाट यू से, ये लोफर लोग की सच्चाई कुछ है, ये रोड छाप लोग की, ये लोग बोलते कुछ और है कुछ, मैं जो और... क्या बोलती हूँ, जिधर बो जा उधर सो जा, इनके औकात ये है, तो इनकी क्या सच्चाई और क्या, पर ये है कि इनको नंगा करने में अब हम, मुझे खास करके बहुत मजा आ रहा देखने में मुझे क्यों। अबे उसके वीडियो देख देख के एडिटिंग कर करके क्या कर रहा है तू। नहीं बेटा नहीं, वो उसके लिए रखेंगे अपन, और आगे करेंगे बात, क्योंकि नमाज से बच्चे आके खा पी के, मैं बताई ना आपको क्या हेल्दी फूड खिलाई मेरे बच्चों को, मैं अभी तक नहीं खाई हूँ,
मुझे मेरे बेटे ने बोला चलो मैं आपको कुछ खिला के लाता हूँ, चलो लापी नोस लेट्स गो योर फेवरेट प्लेस, क्योंकि मेरे को उसके तो वो क्या गार्लिक गार्लिक ब्रेड, ब्रेड क्या सुप्रीम एक चीज गार्लिक नंबर ब्रेड। है। चलो वो खा कर आते। और आज जाना था मुझे अंकित के पास, लेकिन अंकित का जो काम है आज कंप्लीट नहीं हुआ। आंटी आप कल कोई भी टाइम पे आ जाओ तो हम चलेंगे कल। अमीन ये वाला क्या, ये तूने मुझे नहीं बताया था। कासे डेला। अच्छा मैं तेरे को आते आते बताया कि क्या होगा इसका, तो बोल भी दिया। हाँ थैंक यू बच्चा थैंक यू। ये नहीं खाने वाला, मैं जितना खाती हूँ उसके बाद जो बचेगा पार्सल। ऐसा लगता है क्या आपको, अभी मंगाए तो थोड़ा खा लूंगा। खा सकता हूँ माइले, देखो खा सकती है, मैं खा सकता हूँ। ये देखो डाइट वाला बच्चा, इसको डाइट वाला बच्चा बोलते हैं। मेरी वजह से हमेशा मेरी डाइट खराब हो जाती है, आप भी करते हैं डाइट खराब। अच्छा तो मैंने बोली तेरे को ये सब मंगाने की, मैंने तो सिर्फ ये एक बोली थी तेरे को, एक खाना है मेरे को। मन करता है मेरा भी खा के। बोला मन करता है। अच्छा तो मन करता है करो बिंदास करो, तुमको कोई चीज की रोक टोक नहीं, बिंदास रोको बिंदास रोको। अब ये मैं जो बोल रही हूँ आप लोग समझ रहे हो ना, नहीं समझे तो फिर से अमीन का ब्लॉग देखना तो पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। इसको भी ठोको ना उसको भी ठोको, बस दबा के ठोको। आने के बाद आए हैं एथर के शोरूम, नहीं दूसरी गाड़ी बुक करने नहीं आए हैं। उस गाड़ी में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा अमीन को, तो तुरंत अमीन ने कॉल किया और यहाँ के मैनेजर बोले आप आ जाओ मैं देखता हूँ। तो डिले ऐसे होते, घर की जो सीख दी हुई अच्छी सीख देते ना जब हम बच्चों को, तो हर काम में उनको लगता है कि ये हमारा काम है हमको करना है। मेरे को तो लगता है तेरे घर से कुछ सीख ही नहीं मिली है ढिल्ले। अब तेरे को मालूम है ढिल्ला किसको बोलते हैं, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं कंफर्म कर दूँ, ये बाइले को आ बिरयानी। इसीलिए इसने चूज भी कैसे किया बुरी शादी के लिए, क्योंकि घर की सीख जैसी रहेगी तो आदमी की चॉइस वैसी ही रहती है। मैंने अमीन के ब्लॉग के कॉमेंट पढ़े, थैंक यू सो मच कि जिस बात पे अमीन ने बात किया या मैंने आज के मेरे ब्लॉग पे बात करी हूँ जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो उसमें एक सबसे वैल्यूबल सवाल आशीष, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आशीष के बारे में सारी चीज़ें बोरी को बोलना, क्योंकि जो जो चीज़ें मुझे बोली गई आई थिंक 4 साल से, तो मैंने जब जवाब नहीं दिए लेकिन आज जवाब दे रही हूँ ना, हर बात का जवाब दे रही हूँ ना, तो सच्चाई हो या इन लोगों को झूठ बोलना, पर बोलना ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को सुनना है ना, तो फिर इसको कमेंट में जाके आपको सवाल करना पड़ेगा। अब बाद में ये झूठ बोले या सच बोले वो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये क्या सच है और क्या झूठ है। इसकी तो यार अलग ही स्टोरी हो गई है, अभी बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। और अभी मैं जा रही हूँ रोल प्रेस को साड़ी देने, काफ़ी सारी साड़ियाँ हो गई है, तो ऊपर से मैंने साड़ी की बैग मंगाई तो मैंने बोला रजनीगंधा भी साथ में भेज दो, क्योंकि ये खाएंगे तो क्या थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है और फिर जब जो चीज़ देखते हैं तो उससे ज़िंदगी फ्रेश होती है, समझ गए आप। समझो नहीं समझे तो मैं समझाऊंगी आपको। ये मेरे गुजरे हुए कल की निशानी है, ये है 7 नंबर, जहाँ से मेरी ज़िंदगी जो तकलीफ़ों में थी कुछ सहारा मिला था यहाँ से। और मैं शर्माती नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे ब्याज का काम करती थी, मेरे बच्चों को संभालती थी। हाँ ये है कि ये मेरी ज़िंदगी की यादों में हमेशा ही रहेगा, और अल्लाह ने आज तो बहुत हैसियत दी और आज बहुत इज्जत भी दी। आज जो लोग मिले क्या बताऊँ आपको, किस तरीके से मिले, क्या बातें हुई, बस अल्लाह सबको ज़िंदगी में खुश रखे और ऐसी तरीके से अल्लाह पाक जिसकी जो ख्वाहिश है अल्लाह वो पूरी करे। बहुत अच्छा लगा लोगों से मिलकर। पहले तो साड़ी दी रोल प्रेस के लिए, और जैसे कि आपको बताई कि मैं आज गई थी 7 नंबर, और जैसे मेरा कभी बहुत मूड होता है ना तो मैं चली जाती हूँ सबसे मिलकर आती हूँ, और ये देखो वहीं से ये छोटे छोटे से बैंगन लेकर आई, ये बनाऊंगी मेरे और अली के लिए, और ये छोटी सी दूधी लेकर आई हूँ क्योंकि इसका जो दही का सैलेड होगा ये खाएगा अमीन। और अभी फिलहाल तो मेरे पीनू के लिए लाई हूँ चिकन, और मुझे खाना है तंदूरी पोटा, तो जस्ट अभी सब बनाऊंगी। और वहाँ इतनी सारी लोग और इतनी सारी खास करके लेडीज लोग जो मिले, बातें करे और इतना अच्छी अच्छी मुझे उन्होंने बोला है, तो कुछ बातें आप लोगों के साथ तो जरूर करूंगी इंशाल्लाह। अभी तो पहले ये सब क्लीन करूं
उसके बाद, क्योंकि पीनू मेरे पीछे पीछे घूम रही है, तो मैं बोली कि उसको पहले चिकन बना के दे दूँ, और भाग गई देखो चिल्लाई तो मैं उसको, तो पहले इसको चिकन बना के दे दूँ, उसको लगी है बहुत जोर से भूख। पीनू आ जाओ, हाँ डांटी दी जा, रुक जा, जोर से चिल्लाई तो चली गई उधर। आजकल तो मुझे रोज लेट ही चाय पीने को मिलती है, और ये मैंने अमीन के लिए रख दी यहाँ पे दूधी बॉईल होने के लिए, और उसी के साथ मेरे पीनू का भी बन गया खाना, और मेरा जो पोटा जो मुझे खाना था उसको मैंने कर लिया मैरिनेशन। खुशबू आ रही है, बना दिया मैंने तेरा चिकन, ठंडा होने के लिए छोड़कर आई मम्मा, चाय पी ले वे फिर देती तेरे को चिकन, ठीक है। हमें बच्चा, हमें बच्चा हो। जैसे मैं आपको बता रही थी कि 7 नंबर गई, बहुत सारे लेडीज मिले, तो सबसे पहले तो आप सबको माफी चाहती हूँ कि आप मुझे बोले कि हम लोग को घर का काम हो तो आपा दिलाओ, कुछ भी काम हो तो दिलाओ, तो मैंने आपको एकदम से जवाब दिया कि ये सब चीजों में मैं रहती नहीं हूँ, और ये हकीकत है, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है, और मैं खास करके जो घर में बच्चियां काम करती है, तो मैं घर से जो हो सकता, मेरे से जो हो सकता मैं वो आपको बताती हूँ, कि आपका दिल चाहे तो आप घर से करो। और बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कहा पता है, कि आप ये सब फालतू लोगों को क्यों बोलते हो पापा, आप देखते हो कि आपको ये हेट से ज्यादा प्यार करने वाले लोग हैं जो आपको इतना प्यार करते हैं, और ये हकीकत है, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि आपको ब्लू टिक मिली, आपके मिलियन में है, तो शायद इसलिए लोग जलते होंगे। नहीं, जलन इसकी नहीं है, जलन ये है कि अगर सायरा सत्तानी का नाम लेके चलेंगे तो क्या होगा, अर्निंग होगी, उसको लोग देखेंगे, और फिर क्या साइड से थोड़ा सा जो टकली बैठी है तो उधर से भी थोड़ी सी कमाई मिलती है, तो क्या दोनों तरफ से झोल करने की कोशिश करते, क्योंकि फुकट तो है ये बायले को तो कुछ काम नहीं है, और वो बोरी उसको एक अच्छा खासा मिल गया है, तो बोले अभी यहाँ से जो मिल रहा है कम से कम मेरे घर का खर्चा तो निकल रहा है, तो ये बात होती है। और खास करके मैं चाय पीने के बाद लेडीज लोगों को एक मेरे तरफ से आप लोगों को मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि जो मुझे वहां औरतें लेडीज लड़कियां मिली थी, तो उनके लिए मेरे दिल चाह के जरूर आप लोगों से बात करूं। ये मेरे दिल की बात है, जो हिसाब से मैं औरतों से मिली, औरतें मेरे साथ बात करते हैं, शेयर करते हैं अपने घर की, अपने शौहर की, या फिर अपनी जिंदगी की बातें, तो इसी से मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ, जिंदगी में कभी डरना मत। ऐसे तो मुझे काफी मैसेज भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं, देखती हूँ अगर मुझे याद रहा तो कुछ कमेंट आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, कि मुझे देखने से या मेरी बातें सुनने से लोगों को क्या महसूस होता है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी याद रहा तो। तो मैं पर्सनली आज आपको ये बोलना चाहती हूँ औरतों के लिए, खास करके, ऐसे नहीं कि दुनिया के सब मर्द खराब होते हैं, पर जो हिसाब से औरतें मेरे पास बात करती है, तो देखिए दुनिया में आपको गिराने के लिए अपने भी आएंगे, गैर भी आएंगे, दोस्त यार भी आएंगे, लेकिन अगर आप सच्चे हो और आप जानते हो कि आपके अंदर झूठ कहीं भी नहीं है, तो भले उसको टाइम लगेगा वो साबित होने के लिए, लेकिन वो साबित जरूर होगा, तो उसके लिए क्या रहता है कि हर चीज आपको सहना है, हर चीज का जवाब देना आपको आना है, और प्रेजेंट ऑफ माइंड आपके पास होना चाहिए कि जैसी भी सिचुएशन हो उसको हैंडल करना सबसे बड़ी बात कि आपको आना चाहिए, और ये चीजें है ना वक्त सिखाता है। तो मैं जो आज आप लोगों के सामने इतना बोलती हूँ, इतना निडर से खड़ी हूँ और इतना निडर से बोलती हूँ, ना किसी से डरती हूँ ना किसी के बाप से भी मैं सच में डरती हूँ, तो मैं यही आप लोगों को बोलना चाहूंगी, जिंदगी में अगर आप गलत नहीं हो तो मत डरना निडर से, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया के पीछे हो, खड़े रह के डट के मुकाबला करना, तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता और ना आपको कोई हिला सकता है। ये मेरे तरफ से खास औरतों के लिए मैसेज है। सबसे पहले तो मैं आपको यूट्यूब और इंस्टा की फैमिली को कंफर्म करती हूँ, एरे गेरे नथु खेरे को मैं भी नहीं देने वाली हूँ, बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट नहीं है अभी फिलहाल कुछ भी भीख देने में, नॉट इंटरेस्टेड, यस। और अब हम करेंगे असल चीजों पे बात, क्योंकि आज मैं कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग आप लोगों को बताने वाली थी, लेकिन उसके पहले टकली ने कृपया करके मुंह अपना खोल दिया, तो लाजमी है कि हमें पहले उस पे बात करनी चाहिए। हाँ भाई, इसने यार की बात पे शुरुआत की है, तो चलो हम पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। मेरा तो एक ही यार है, वो है मेरी जान अयूब, और मैंने थोड़ी किसी यार को 15 लाख रुपए दिए घिसाने के लिए, किसने दिए?
भैया पूरी दुनिया को पता है कि घिसाने के लिए 15 लाख रुपए, और मैं तो मेरे यार मतलब मेरी जान मतलब मेरे अय्यूब को सैल्यूट करती हूँ तो भी नहीं घसा। और आपने सुना था ना एक बार रिकॉर्डिंग आई थी कि 2-2 हजार के बेड पे नोट भी बिछे तो भी मुतूंगा भी नहीं, क्योंकि इसके पास कोरी बास आती है छी। अब रही मेरे बेटे की बात, पहले तो आप लोगों से एक क्वेश्चन, मेरा बेटा बाइला दिखता है आप लोग को? बाइला मैं बताती ना आपको, बाइला तो दिखा है लेकिन फिर से कंफर्म मैं करती हूँ आप लोगों को। ए टकली, तेरा बेटा तूने बाइला पैदा किया तो मेरी गलती, तो तेरा हैशटैग तेरे बाइले बेटे का मेरे बेटे पे क्यों छिटकाती है रे तू? और फिर से शाइनिंग गिरी नकली पोस्टर बना के चप्पल मार रही है। अभी भूल गई, कटेली ने वीडियो डाला था जब मेरे घर पर आए थे तो मैंने तेरे को कहाँ बिठाया था, जहाँ मैं चप्पल रखती हूँ ना बाहर दरवाजे के बाहर चप्पल का स्टैंड, वहां पे तेरे को बिठाया था। अब वो क्या करूँ, डालू वो भी वीडियो? अब कितना बेइज्जत करूँ रे, तेरे को थोड़ी भी शर्म नहीं? थोड़ी तो शर्म कर टकली, रोड छाप लेला। रोड छाप लेला एक बात तो बता, भैया लोग का जो भी तू नॉलेज बताती है तो हैशटैग सायरा सत्ता नहीं क्यों यूज करती है? तेरा नॉलेज है, तू अपना नॉलेज बताती है लोगों को तो अपना हैशटैग यूज कर। हाँ बराबर, मार्केट में सायरा सत्तानी हैशटैग ज्यादा चलता है ना, यूज करना पड़ता है। जब तेरे नियाज में आए थे तो वो छत्तीसगढ़ वाला जो बहुत ज्यादा लोगों ने छत्तीसगढ़ वाले को उछाल उछाल के घूम रहे थे, तो वो कहाँ था? तेरी पार्टी में। कौन था? भैया। अभी थोड़े दिन पहले तूने भैया लोगों का रोड छाप भैया लोगों का बात बताई, तो कौन बताया नॉलेज? तूने बताया, क्योंकि तुझे नॉलेज है छोटे तबके के भैया से बड़े तबके के भैया। और उसके बाद आज फिर तूने राई के तेल की बात करी, और फिर दुनिया में मालूम है कि राई का तेल सिर्फ भैया लोग ही खाते हैं। तो तेरे को पता है कि राई का तेल में, हमें जो इतना पता है कि राई के तेल में कुकिंग कर दे, क्योंकि मैं कुकिंग चैनल भी चलाती हूँ ना। पर तुझे तो यार कितनी नॉलेज है भैया लोग की, राई का तेल वो लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। माय गॉड, बहन की भी गाली देती हूँ ना, दुनिया भर की जहान की गाली देती हूँ, पर शाइनिंग गिरी करने के लिए सोशल मीडिया पे नहीं, सोशल मीडिया के फेस टू फेस। क्योंकि मैंने 8 दिन पहले ये बात बोली थी कि गाली सुनना है तो सामने खड़े रहो, कैमरा तुम्हारा मुंह मेरा, छेड़ोगे तो पूरे खानदान का निकालूंगी खोद कर। तो ये शाइनिंग गिरी तुम लोग की आदत है, ये दुनिया को रिकॉर्डिंग सुना, रिकॉर्डिंग सुनाई बहुत अच्छा करी, दुनिया को भी पता चलना चाहिए ना कि सायरा सत्तानी जो बोलती है ना सच बोलती है। मैंने क्या कहा था, शाइनिंग गिरी मैं सोशल मीडिया पे नहीं करती हूँ, शाइनिंग गिरी जब फेस टू फेस खड़े रहते हैं ना तो फेस टू फेस बजाने का शाइनिंग गिरी वो मजा आती है। ये तो क्या नल्ले लोग का काम है जो ये नल्ले लोग करते हैं, तो एकदम थैंक यू इसके लिए, तो तेरे को थैंक यू बनता है। टकली रोज छाप लेला, थैंक यू सो मच कि सोशल मीडिया के बाहर कैसी मैं बजाती हूँ वो तूने दिखाया, और सोशल मीडिया पे शाइनिंग गिरी कौन करता है वो भी दिखा। और भाई व्यूअर्स देखो कि ये लोग जो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, व्यूअर्स को गाली दे रही हूँ कि इनकी मैं बजा रही हूँ। और रोड छाप लैला एक सजेशन दे रही हूँ, जरा मान ले, जा जा मिरर में मुंह देख, ओ तुम्हारी भाषा में आईना, आईने में जाके मुंह देख, कितनी लानत बरस रही है तेरे पर, तो लानत तो बरसेगी ना बेटा। हर किसी का घर तोड़ा है, हर किसी के जिंदगी में खलल में जो दखल अंदाजी करी है तो लानत तो बरसेगी, इसीलिए थोड़ा कम कर, अभी हो गई है कब्र में जाने का टाइम तो थोड़ा अभी कम कर। और फिर से शाइनिंग गिरी, कौन किसको बजाएगा? अबे मैं भी देखती हूँ कौन किसको बजाएगा, चल व्हाट। फिर पब्लिक के कंधे पे बंदूक रख के चलाने लगी टकली तू, तेरे में दम नहीं है क्या रे? खाली नाम को बॉस, हुकुम का इक्का बॉस, नल्ला बॉस, नल्ला बॉस, जब देखो तब झुंड के साथ चलने की कोशिश करती है, हर किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाती है, और पब्लिक को क्या भड़काती है रे? पब्लिक देख रही है वीडियो कि ये वीडियो सोशल मीडिया के बाहर जिससे हुआ था मेरा, मैं उसके लिए बात कर रही हूँ, और मरियम के साथ जो मेरा हुआ है ना वो पूरी दुनिया ने देखा है, वो खुले में हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ है वो भी दुनिया ने देखा है। तो वो रहने दे, दूसरों के कंधे पे बंदूक लगा रख के चलाने का छोड़ दे, तेरे में कितना दम है ना वो बात कर।
और साली तू एक नंबर की बेईमान औरत है, दोस्त बन के आती है और दोस्त के आदमी पे ही नजर रखती है, पीठ पीछे फोन पे बात करती है, उसको पैसे देने का लालच देती है। क्यों? क्योंकि एक बार मेरी घस दे। लेकिन मैंने बोला ना अयूब को सैल्यूट है मेरा। अबे मेरे आदमी की तुझे इतनी फिक्र क्यों है? मैं उसके साथ रहती हूँ, मैं रात दिन उसके साथ में रहती हूँ, पर मुझे उसके इधर से खराब है, इधर से गिरता है, इधर ऐसा है, उधर ऐसा है, मुझे नहीं दिखता। तू इतना दूर रह के तुझे इतना बारीकी से देखती है तू मेरे मर्द को? कितनी तेरे को अयूब की धुन है बे। क्या बोल रही है टकली? इमरान ने मेरे पर चढ़ा। अबे वो ढिल्ला, वो अपनी औरत को नहीं चढ़ सकता तो दूसरे पर कहाँ चढ़ेगा। लेकिन एक बात तूने बहुत गलत बोला, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो आपा बोलकर जाता है, और मेरे पास भी आपा बोल के ही आया था। मदीना शरीफ में मेरे से माफी का आपा बोल के तलब कर रहा था। तो ये तूने गलत बोला कि आपा बोल के फिर आपा के साथ में ये गलत करता है, और वो कुछ कर नहीं सकता, वो ढिल्ला है। इच्छा हुआ मैंने दरवाजे पे सर लात मार के भगाई, बहन बोल के आया तो भी मैंने उसको अपने दरवाजे में बिठाई नहीं। तकली मेन बात पे आते हैं यार, दूसरी दूसरी बात क्या करती? क्योंकि मैंने अमीन के व्लॉग में भी कमेंट पढ़ी हूँ, मेन अभी तो फिलहाल टारगेट है 15 लाख और आशीष। देखो भाई, इनको तो आदत है बकवास करने की, तो मैं तो बकवास नहीं करती, क्योंकि मैं जो बात करती हूँ उसमें लॉजिक भी होना चाहिए और सच्चाई भी होनी चाहिए। एट द पॉइंट, यस। तो जैसे कि आपने देखा होगा, इसने बहुत बार वीडियो डाला कि ये मेरे पास काम करता है, फिर इसने इसको लात मारा क्योंकि ये हाफ बिरयानी चीटर है, ये कहीं भी मेहनत कर नहीं सकता। तो मेन था जब उस टाइम क्या पिक्चर चल रहा था, आशीष जो हम आपको बोल रहे हैं ना ये हकीकत है। तो कैसा है ना, अपन एक एक परत खोलेंगे। डायरेक्ट खोलने से क्या है ना, मजा नहीं आता, और ये नंगे है, इनको डायरेक्ट भी नंगा करो ना तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसे के लिए तो ये ऑलरेडी नंगे हो चुके हैं सबके साथ। डॉलर दो। अगे मेरे बच्चों की फिक्र करना छोड़ गए, तू तेरी बात कर। दुनिया ने सुना है किसके बच्चों ने क्या बोला, किसके बच्चों ने किस तरीके का बिहेव किया, और किसके बच्चे कैसे चल रहे हैं। मैं मेरे बच्चों की सफाई देने के लिए नहीं आई हूँ इधर, समझी? तो तेरे को जितना बोलना है बोल, क्योंकि रोड छाप लोग कभी चेंज हो नहीं सकते। देख मेरे बाप का खून अच्छा है, मैं गरीबी में भी रही लेकिन जबान कभी मेरी वो चली नहीं, क्योंकि मेरे अंदर वो खून है। अब तुम रोड छाप के औलाद हो, तुम्हारा कितना भी अल्लाह तुमको पैसा दे, मिलियन भी बन जाए ना, तो रोड छाप बाप का खून जो होता है ना वो सर चढ़कर बोलता है। तो ये जाहिर होता है कि रोड छाप बाप की औलाद तुम लोग हो। हाँ ये तुमको तो बोलूंगी, लेकिन मैं बच्चों का, मैंने क्या कहा, बच्चों का नहीं बोलूंगी, अभी तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि बच्चों ने बहुत कुछ बोला है, तब भी मैंने कुछ बोला बच्चों के ऊपर नहीं। अपन अपने साथ बात करेंगे, बच्चों को रहने दे साइड में, तू बोल सकती क्योंकि तू रोड छाप बाप की औलाद है, तू तो बच्चों पे भी बोल सकती, पति पे भी बोल सकती, पूरे खानदान पे भी बोल सकती, बोल। जैसे कि मैं रोज कुछ ना कुछ वीडियो या रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिखा रही, तो आज भी मेरा सब चीजें मैंने निकाल के तैयार करी थी, लेकिन कैसा अब जब सामने जो पिक्चर आया, तो यार अभी तो मैं वही कर रही हूँ जो बोलते हैं, तो उनकी सच्चाई दिखाती हूँ, तो इसीलिए मैंने बोला चलो वो फिर कभी, आज पहले इस पे बात करना जरूरी है। और मैं आपको बताऊँ, बुजदिल लोगों की सबसे पहली पहचान क्या होती है, या तो किसी की इमेज पे बात करो, या तो किसी की फैमिली पे बात करो, सबसे तेज वार होता है या तो उसके हस्बैंड पे या उसके बच्चों पे वार करो, और या तो फिर बॉडी शेमिंग करो। और आप तो देख रहे हो ये तो नंगा, ये सब चीजें लेके नंगा नाच तो कर ही रहे, तो फिर कराने वाली कौन, सायरा सत्तानी। तो फिलहाल ब्लॉग बहुत ज्यादा हो गया है और इनकी कथा है तो खत्म ही नहीं होगी, तो करते हैं ना कल फिर बात, आज के लिए तो ब्लॉग करते हैं एंड, और अल्लाह हाफिज, मिलते हैं जल्दी कल वापस। एंटरटेनमेंट समाप्त झाला, नहीं नहीं बहुत बाकी है, एक परत है आज, अभी तो बहुत बाकी है।